स्टाफ नूं मिलना गा कि जान पछाण है कि नहीं। उन्होंने जबली जगह बनी हुई है, ये मैं तुहानूं ओह दिखाउणा गा। उधर नहीं जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इधर डेंजर। गुड मॉर्निंग सन, सत श्री अकाल, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता कि सारे तुम ठीक ही होंगे, ठीक ही रहना। मैं थोड़ा अपना कैफी तगड़, तो तुम देख लो कैफी तगड़ ब्लॉग। अज मैं ब्लॉग भी थोड़ा लेट शुरू कर चलियागा। इस वक्त दोपहर के बज चुके ने एक, मैं जा रहा इस वक्त यूनिवर्सिटी कॉलेज बेड़ा धूरी के बच्चे, तो उत्थे जाना गा क्योंकि थोड़ा मैंने कम सीगा, तो कॉलेज स्टाफ नूं मिलना क्योंकि थोड़ा मैंने कम आ परसनल अपना, तो मेरे नाल एक परसन होर जाएंगे तो उन्होंने मैंने कॉल आई सी स्टाफ नूं मिलना गा। मैं कहा बिल्कुल सर आप मिलेंगे, तो उन्होंने मिलने के लिए ही जा रहा है क्योंकि थोड़ा परसनल कम सीगा, तो इस करके मैं उन्होंने मिलने जा रहा है। तो थोड़े टाइम तक ही मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज बिड़ना लिए जावगा, इट मीनस कि 10 से 15 मिनट हाले मैं लगनगे घर ही, तो उस तो बाद ही जावगा क्योंकि मेरा रास्ता जोड़ा है ज़्यादा लंबा नहीं है। मैं 5 या 10 मिनट तक कॉलेज पहुँचूँगा क्योंकि मेरे घर के कोल ही है कॉलेज, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उत्थे जाके जो हो सकता कि उस मीटिंग लिए मैं 10 से 15 मिनट लग जाए, हो सकता कि अद्धा घंटा लग जाए, वो मैं हाल कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हो सकता ये मीटिंग थोड़ी लंबी भी हो जाए छोटी भी हो जाए, तो वह तो गल करके पता लगू, हाले मैं उस चीज़ बारे कुछ नहीं पता गा। फिलहाल तो मैं 10 से 15 मिनटा तक ही यूनिवर्सिटी कॉलेज लई, तो क्योंकि थोड़ा काम इदा का हो गया कि एट ए टाइम मैं ना सिर्फ 11 बजे मैंने फोन कॉल आई हैगी कि अपनी एक मीटिंग हो जा रही हैगी यूनिवर्सिटी कॉलेज पेंडा में, तो अपने सर मिलना तो स्टाफ में मिलना गा, तो वह काम हो जाए तो अच्छी गल आ गई, जरूर दिखावे यूनिवर्सिटी का बेंगड़ा का, तो होप करता कि सोनू भी अच्छा लगेगा। गाइज मैं इस वक्त पहुँच गया सी यूनिवर्सिटी कॉलेज बेड़ा में, थोड़ा टाइम हो रहा है, मैं थोड़ी परसनली मैं किसी वेट कर रहा है, तो थोड़ी इस कॉल नाल गल करनी है, मीटिंग करनी है, थोड़ी सू दस के हटिया गा कि जान पछाण है उन्होंने मैं गल कर चुकिया गा, तो थोड़े टाइम तक मैं मीटिंग लिए जावगा। नैक्सट की हैगा जिदी मैं वेट कर रहा हाल तक आए नहीं, फोन कॉल करती सी, अज तक मैंने 10 मिनट हो चुके हैं, इस वक्त उन्हें वेट कर रहा जिन्होंने मैनू उ मिलना स, तो असं इकट्ठिया ने प्रिंसीपल मिलना से जाके, तो बट हाल तक वह आए नहीं है, तो मैं उन्होंने वेट कर रहा है, तो आई थिंक 10 या 15 मिनट होर लगन गए फिर जाके मिलेंगे प्रिंसीपल। आई थिंक मोस्टली मैं हाले 15 मिनट की वेट हाले होर करनी पेगी क्योंकि मैं कॉलेज के पहुँच गया सगा, तो प्रिंसीपल साहब मिलना गा, थोड़ा टाइम मैंने हाले होर वेट करनी पऊ क्योंकि प्रिंसीपल सारे इस वक्त थोड़े बिजी ने गए, तो मैं हूँ ही स्टाफ ने गल की थी, तो आई थिंक 10-15 मिनट होर लगन, उस तो बाद ही मीटिंग होगी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर प्रिंसीपल सर ने गल हो चुकी हैगी, तो बस अच्छी अच्छी तरीके ने गल हुई हैगी, तो आई थिंक मोस्टली जो मेरा काम से हो चुका है, तो नैक्सट फिर आप देखते हैं जी, उस बाद नैक्सट मेरा फोन आऊगा, फोन पर कॉल आऊगी, कॉल होने तो बाद ही आप कुछ कर पावे। 10-15 मिनट लगे सी मीटिंग के मैं वो हो चुका है, जिसे परसन मैं वेट कर रहा उन्होंने भी अच्छे तरीके गलबात की हैगी, तो फिलहाल हूँ मैं जा रहा है अपना नैक्सट काम के लिए, मिलते सूँ। अपने किस काम के लिए एक प्रोजेक्ट से मेरा काफ़ी देर तो कुछ पेंडिंग पाया, तो वो मैं उरे आया सीगा, वो मेरा प्रोजेक्ट मिल चुका, 2 महीना पेंडिंग पिया मेरा प्रोजेक्ट क्योंकि जो मिल गया तो मैं अच्छा लगे, मेरे काम से मेरा हो चुका है, तो नैक्सट मैं जा रहा अपने एक दोस्त को, मैंने हूँ वो कॉल आई है कि मेरे थे उन्होंने काम है थोड़ा जहा, तो उसलिए जा रहा उसे उसने एक काफ़ी अच्छी चीज़ है देखने के लिए, तो वो मिलते आप दिखावगा सुन भी दिखावगा, तो काफ़ी है कि और काफ़ी शूटिंग भी होंगे उत्तर फिल्मों दिया किसी वीडियो दिया शूटिंग आते हैं, मैं सुनो दिखावगा, आई थिंक अंग्रेजा वेले की बनी हुआ वो वाली जगह, तो सुनो वो भी दिखावगा। बस अस मैं हाले हूँ ही आया गा अपने दोस्त को, मैंने फोन कॉल किया दस के हटिया,
ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਵਣੀ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੇ ਪਿਚਰ ਸੰਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਰਵੀ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਚਲੋ ਐਨੀ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਗਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੰਡਰ ਟਾਈਪ ਬਣਿਆ ਪਿਆਗਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਵਾਲਾ ਪੇੜ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ 100 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇੜ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ ਗਾ ਬਟ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾਗਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭੂਤ ਟਾਈਪ ਖੰਡਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਂਦਰਵਾਜਾ ਭੂਤ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਖੰਡਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਪ ਉੱਪਰ ਡਾਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੱਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਕੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਗਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਟ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ ਬਟ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੋਹੜ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਰੇ ਨੇਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਬਲੀਆ ਆਹ ਵੀ ਹੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਓਕੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੀਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਇੱਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਸਤ ਇੱਟ ਆ ਗਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਟ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਟ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਬਟ ਜੋ ਇਹ ਇੱਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੂਮ ਹੀ ਰੂਮ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਹ ਜੰਗਲ ਟਾਈਪ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬਟ ਸਾਰੇ ਹਰਾਮੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਡੱਕਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਡੱਕਰੇ ਵੀ ਹਰਾਮ ਪਟਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਨੀਵੇ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਵੀ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਲੌਗ ਅੱਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਰੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਖੜਾਂਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਟੂ ਗੇਟ ਜੋ ਬਣਿਆ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਨੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੀ ਪੂਰੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਚਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਿਚਨ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਇਸੇ ਹਰ ਮੋੜੀਆ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਰੀਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਡਾਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੰਡਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਰੂਮ 'ਚ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬਟ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ
ये भी खिड़कियाँ उस समय की ही बनिया हुई नहीं जो इतने अंग्रेज होंगे सी। थोड़ा मैं केयरफुली रहना क्योंकि तो शीशे भी टुटे पे ने गे, थोड़ा जहा तो है काफ़ी होगा डेंजरस क्योंकि क्योंकि सप भी हो सकते हैं काफ़ी खंडर टाइप जहाँ बनया पे ना। तो ये एक कार रूम बनया होगा इस साइड की इस साइड से बाथरूम बनया होगा। इधर जंगल देखने वास्ते मैं आया सीगा ते ओ शिट मैन यार इतने सप्प की ना प्या सप मैं थोड़ा कहा से ना भी इतने मैं केयरफुल रहना पेगा बट मैं केयरफुल ही रहना पेगा क्योंकि इतने सप्प मैं हूँ ही देखा है। आई थिंक मैं उधर नहीं जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इधर डेंजर इलाका बनया होगा। आई थिंक वापसी मैंने मुड़ना चाहिए एवं कोई कोई नुकसान हो जू मैं उधर ब्लॉग नहीं बनावगा। आई थिंक मैं अपने दोस्तों दसदा मेरे नेड़े नाल आया सीगा वो मैं पता नहीं कितने चला मैंने काफ़ी क्योंकि इतने यार काफ़ी यार 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 इतना मैं डरा दा यार रवि आ की हो गया यार मैं क्या मैं तो उधर पहले मैं सप देख लिया हूँ तो मैं डरा दा यार आ की हो गया यार मैं ना उधरों आ रहा से ब्लॉग बना देखा रवि ने मैं डरा दा यार उधर मैं सप भी देखा मारा मरिया होया मैं ता ही उधर ज़्यादा ब्लॉग भी बनाया पहले से मैं क्या गया तो मैं बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पूरा क्योंकि इतने काफ़ी जंगल टाइप जहाँ बनाया हुआ हूँ मैं निकलिया ऐसी बाहर काफ़ी असी अंदर रहे फिलहाल मैं इस साइड से आ गया फिलहाल मैं इस जगह पर आ गया से यह भी बनया हुआ इतने जंगल झाड़ियाँ झूड़ियाँ मैसे जा रहे हैं मिलता मैं थोड़ा थोड़े टाइम तक आई थिंक मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग फॉलो भी बनावगा इंस्टाग्राम से मैंने जाके जरूर फॉलो करो। ओके गाइज मेरी जी आई डी कैफी तगड़ 13 तो इंस्टाग्राम मेरी आई डी है वो जगह फॉलो करो। नैक्सट हाँ मेरा दोस्त आ बड़ा शाही मुंडा है कनेडा रहा गा बट मैं समझ नहीं आ रहा यार तो इन्हें संगता क्यों होगा। ओके गाइज मैंने काफ़ी देर हो गई से मोस्टली मैं और 3 घंटे हो गए मैंने उन्होंने आया तो काफ़ी मैं और इंजॉय किया अपने दोस्त ने काफ़ी सारी गल्लां कीतियां हूँ मैं जा रहा घर में तो थोड़े मैंने फोन कॉल आ रहे हैं घर तो थोड़ा मैंने घर भी जा काम थोड़ा अपना काम भी थोड़ा पेंडिंग पिया गा तो वह भी जा करना गा। ओके गाइज बस मैं हूँ ही हाले घर आया गा सामने मैं अपना रुमाल भी खोल रहा गा मैं मोस्टली 3 घंटे उत्थे रहा गा। चलो मैंने लगे इस वक्त बहुत ज़्यादा भुख मैं जो कुछ खाना क्योंकि मैं हाल तक कुछ भी नहीं खादा गा कॉलेज गया कॉलेज जाते मैं थोड़ा मैं होर काम से वो किया तो उस अपने दोस्त को चला गया सब कुछ सारा कुछ देख। गाइज मैं मैंने लगी थोड़ी भुख इस वक्त खा रहा सी पकौड़े तो पकौड़े तो चाह बस ये खाना गा क्योंकि थोड़ा मेरा काम मेरा पेंडिंग वो कर ला। आज का ब्लॉग सुन बहुत अच्छा लगे कुछ भी अच्छा लगे कुछ बुरा लगे मैंने कमेंट करके जरूर दस्यो मिलते सुन एक अच्छे होर अच्छे जे ब्लॉग अच्छे जे वीडियो के सारे सत श्री अकाल बाय बाय।